हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। और आप सभी कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आज मैं बहुत ही खूबसूरत प्लांट्स के बारे में बात करने वाली हूँ जो मैंने परचेज़ किए हैं अपने लखनऊ की गवर्नमेंट नर्सरी से, जो कि आलमबाग में है, के पास में पड़ती है। और वहाँ पे विंटर फ्लावर प्लांट आपको बहुत ही रीज़नेबल रेट पे मिल जाते हैं। वो वहाँ पे विंटर फ्लावर प्लांट क्या आपको सीजनल प्लांट और परमानेंट प्लांट और फ्रूट प्लांट और वेजिटेबल प्लांट, बहुत सारे प्लांट होते हैं जो बाहर आपको काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे प्लांट्स के रेट, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया है, काफ़ी रीज़नेबल होते हैं। 10, 20, 30, 50, बस ऐसे ही उनके रेट रहते हैं। तो ये मैंने कुछ सैलड के प्लांट लिए हैं और कुछ विंटर फ्लावर प्लांट लिए हैं। तो जो लिए हैं वो मैं वन बाय वन आपको शो कर रही हूँ और उनका प्राइस भी बताती जाऊँगी। तो ये मेरा पहला प्लांट है और इसमें रेड कलर के फ्लावर आते हैं, पॉली बैग में लगा हुआ है। और ये प्लांट, इसका नाम है साल्विया। ये देखिए, इसमें बर्ड्स छोटे छोटे से आने शुरू हो गए हैं। तो इस ये प्लांट मुझे वहाँ पे, आप यकीन नहीं करेंगे, आप बाहर लेंगे तो ये प्लांट्स आपको, जो सीजनल प्लांट होते हैं मोस्टली 20 रुपीज़ में आपको अवेलेबल हो जाते हैं, पर गवर्नमेंट नर्सरी में ये मुझे 5 रुपीज़ का मिला है। और ये देखिए, पॉली बैग में लगा हुआ है, हेल्दी प्लांट है और बहुत ही अच्छा है। दूसरा प्लांट ये मेरा है वर्बीना, और इसमें भी अभी कलर तो मुझे नहीं पता इसमें कौन सा कलर होगा, लेकिन ये प्लांट भी देखिए पॉली बैग में, जितने प्लांट मैंने लिए हैं सारे पॉली बैग में वहाँ पे लगे हुए मिले हुए, और सबके प्राइस काफ़ी रिजनेबल हैं। ये प्लांट मुझे वहाँ पे ये भी 5 रुपीज़ का मिला हुआ है। और ये है सैलड का प्लांट, और जिसको लेटस बोलते हैं, ये भी लेटस ही है, ये भी लेटस है, और ये सब आप सलाद में यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे प्लांट होते हैं। इसके लीव्स को आप धुल के काट के इसको आप अपने सलाद में यूज़ करिए खाने में, और ये बहुत ही पोषक तत्व से भरपूर होते हैं। और ये प्लांट ये भी मुझे वहाँ पे 5 रुपीज़ ईच पड़ा है। तो ये देखिए, मैंने 3 लिए हैं और तीनों अलग अलग वैरायटी के हैं। ये देखिए, एक ये है और एक ये है, इसका कलर देखिए कितना प्यारा है, बिल्कुल अलग सा। और इनको आप अच्छे से गमले में, अच्छी मिट्टी में लगाइए, और बस एक बार इसको लगा देंगे फिर ये आपके गार्डन में साल साल बना रहता है, और आप काट के इसकी पत्तियाँ यूज़ करते रहिए। तो ये तीनों प्लांट मुझे 5 रुपीज़ के मिले हैं। ये तीनों भी आप देख रहे हैं पॉली बैग में लगे हुए हैं, हेल्दी प्लांट्स हैं। तो ये 3 प्लांट्स मेरे ये हो गए। और ये देखिए, एक प्लांट मैंने ये लिया है ब्रोकली का। ब्रोकली में भी एक ग्रीन ब्रोकली आती है, एक कुछ रेडिश टाइप में आती है, तो कुछ पर्पलिश, तो ये वही वाली है, ग्रीन वाली नहीं है। और ये प्लांट भी मुझे वहाँ पे 5 रुपीज़ का मिला है, ये भी पॉली बैग में है। और ये अब इसको मैं गमले में लगाऊंगी, फिर देखती हूँ ब्रोकली जब निकलेगी तो मैं इसका अपडेट भी दूंगी। और ये 2 प्लांट मैंने गेंदे के पैक किए हैं, ये देखिए, ये कुछ येलो है और ये कुछ ऑरेंजी टाइप में है, ये देखिए। तो ये प्लांट्स, ये गेंदे वाले प्लांट्स मुझे 10 रुपीज़ ईच मिला हुआ है। और क्या कहते हैं, प्लांट्स तो गेंदे के वहाँ बहुत थे लेकिन काफ़ी लंबे लंबे थे, तो मैंने ज़्यादा प्लांट्स नहीं लिए, क्योंकि मैं स्कूटी से लेके आती हूँ तो मुझे टूटने का डर रहता है, इसलिए मैंने सिर्फ ये वाले 2 ही प्लांट बाय किए हैं और ये सेफली घर तक आ गए हैं। और ये देखिए, ये एक ये परमानेंट प्लांट होता है जिसको पाउडर पफ बोलते हैं, और ये देखिए इसमें छोटे छोटे से जो बर्ड्स आए हुए हैं, इसमें क्या कहते हैं, पिंक कलर का फ्लावर निकलता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है, बिल्कुल आर्टिफिशियल टाइप देखने में लगता है। तो ये प्लांट मुझे वहाँ पे 20 रुपीज़ में मिला है, ये भी पॉली बैग में लगा हुआ है। और इस समय वहाँ पे सीजनल प्लांट काफ़ी आए हुए हैं, और अगर आप वहाँ से बाय करना चाहते हैं वेजिटेबल प्लांट या सीजनल
प्लांट, और तो आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी नर्सरी है और बहुत ही रिजनेबल रेट पे आपको वहाँ पे प्लांट्स अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये हो गया, और ये दो प्लांट सिनेरिया के हैं, और ये दोनों भी मुझे ये 10-10 rupees के मिले हुए हैं। और ये शायद ये क्या पेपर फ्लावर बता रहे थे, और इसका फ्लावर का तो मुझे भी नहीं पता किस कलर के इसमें फ्लावर है। तो ये पेपर फ्लावर का प्लांट है, अब इसमें फ्लावर निकलेंगे तो मैं इसका अपडेट ज़रूर दूंगी। ये भी पॉली बैग में लगा हुआ है। ये प्लांट भी मुझे 5 rupees का मिला हुआ है। तो ये देखिए, मैंने इतने सारे प्लांट्स की शॉपिंग की है, और लगभग 12 प्लांट्स हैं, और ये 12 प्लांट मुझे 100 rupees में वहाँ पे मिले हैं। तो सोचिए कितना मतलब चीप शॉपिंग है ये, और अच्छे प्लांट्स अगर आपको कम रेट पे मिल जाते हैं तो खुशी भी होती है। तो आप भी अपने शहर की जो भी गवर्नमेंट नर्सरी हो वहाँ जाकर विज़िट करें, और अगर आप लखनऊ से बिलोंग करते हैं तो लखनऊ की गवर्नमेंट नर्सरी में इस समय आपको सीजनल फ्लावर प्लांट और वेजिटेबल प्लांट्स बहुत अच्छे आए हुए हैं, तो आप जाके वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और जो भी मेरे नए व्यूवर्स हैं, तो अगर मेरा वीडियो उनको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट ज़रूर दें, और मेरे और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।